हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद दीपिका। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी विटामिन सी सीरम, जो कि कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसकी पैकेजिंग कुछ खास मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये कार्डबोर्ड भी मुझे इसी तरह का टियर हुआ हुआ मिला है। ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो कि इस प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छे से मेंशन की गई है। अगर मैं इसकी इनर प्रोडक्ट की बात करूं, तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह की ग्लास बॉटल इसके अंदर मिलती है हमें, और ये ग्लास बॉटल विद ड्रॉपर है। सो पैकेजिंग के मामले में मुझे ये इसकी पैकेजिंग थोड़ी पुअर लगी, क्योंकि अगर ये ट्रांजिट होके आया है और ये कार्डबोर्ड किसी भी काम का नहीं है इसकी सेफ्टी के मामले में, तो हो सकता है ये ग्लास बॉटल ब्रेक हो जाए। बट बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। इस सीरम में बेसिकली है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन को लाइटन अप करने के लिए काम में आता है। इसमें बेसिकली है लेमन, पपाया एंड पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगे। कोलाजन क्या होता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है, जिससे कि रिंकल्स काफ़ी डिले हो जाते हैं। इसके साथ साथ में पोमीग्रेनेट आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। और इन सारे फ्रूट्स में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है विटामिन सी, इसीलिए शायद इसका नेम विटामिन सी रखा गया है, विटामिन सी सीरम, बिकॉज ऑफ विटामिन सी आपकी स्किन से मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। हमारी स्किन में मेलानिन जितना कम होता है, हमारी स्किन का कलर उतना ही फेयर होता जाता है, और जिन लोगों में मेलानिन की वैल्यू अधिक होती है, उनका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये हमारी स्किन से मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दे, जिससे हमारी स्किन ओवर द टाइम धीरे धीरे लाइटन हो जाती है। मैंने इस विटामिन सी सीरम को अराउंड मैं कंटिन्यू 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ, और मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में यूज़ करती हूँ। हम इसकी बात करते हैं अगर कंसिस्टेंसी की, इसकी कंसिस्टेंसी मिल्की वाइट है, आप देख सकते हैं इसकी ड्रॉप। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में भी नहीं है। और सबसे मेन बात अगर मैं इस सीरम की करूँ, तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। स्पेशली ये ऑयली स्किन पीपल एंड कॉम्बिनेशन स्किन पीपल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपकी स्किन को ऑयलीनेस नहीं देता। मैंने इसको कंटिन्यू 15 डेज यूज़ किया, मुझे स्किन में कहीं पर भी ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कहीं पिंपल्स नहीं आए, और मुझे इस सीरम से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है। पर फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी किसी नए प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर यूज़ करें, एक बार उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें, एक बार उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा लेके अपनी स्किन पे ईयर के पास में या कहीं और आप अप्लाई करके देख लें, डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई ना करें। इस प्रोडक्ट की अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ, तो इसके इंग्रेडिएंट में कहीं भी पैराबेन और SLS नहीं है। इट मींस ये हमारी स्किन के लिए टोटली सेफ है। इस क्रीम, इस सीरम के साथ में ब्रांड क्लेम करता है कि आपको पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, साथ में ये सीरम एंड ब्राइट ब्यूटी फेस क्रीम भी उन्होंने लॉन्च की, उसको भी आप यूज़ करें। लेकिन मैं ट्रूली बताऊंगी, मैंने इसके साथ में इसका कोई भी फेस वॉश या डे क्रीम यूज़ नहीं किया है, मैंने कंटिन्यू सिर्फ इस सीरम को यूज़ किया है। इस सीरम को यूज़ करने से इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्किन थोड़ी सी ग्लोई एंड प्लम्प मुझे फील होती है। जब मैं मॉर्निंग में सोकर उठती हूँ, उस समय मुझे मेरी स्किन काफ़ी फ्रेश एंड प्लम्प महसूस होती है। हालांकि मैं इसको यूज़ करने के बाद एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर या नाइट में नाइट क्रीम को जरूर फॉलो करती हूँ। अगर आप ड्राई स्किन पीपल हैं, तो डेफिनेटली आपको सीरम के बाद में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही चाहिए, और इसको यूज़ करने के बाद आपको अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आप ऑयली स्किन पीपल हैं, तो हो सकता है आपको मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट फील नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना चाहिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट के इफेक्ट की बात करूँ, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आपको ओवर द नाइट मिरेकल नहीं दे सकता है, आपको उसे थोड़ा टाइम देना होगा। आप भी अगर इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरी तरफ से इसके लिए बिग यस है, लेकिन आप इसे कम से कम एक बॉटल फिनिश होने का वेट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इस प्रोडक्ट को लेकर रिव्यू। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। आपका अपना कोई भी डाउट हो, आप जरूर पूछिए, एंड मैं जल्दी आपसे फिर मिलूंगी नए किसी वीडियो के साथ।
अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको ब्यूटी, मेकअप, हेयर केयर एंड स्किन केयर के अलावा फिटनेस से जुड़ी वीडियोज भी जल्द ही देखने को मिलेंगी। मैं जल्द ही अपनी वेट लॉस जर्नी इस चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि रियली अगर आप देखेंगे तो वो आपको एक लाइफ चेंजिंग चीज़ नज़र आएगी। इस मेरे साथ में आगे बने रहने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।